assalamu alaikum students how are you hope you all doing well i am from the staff of american islamic school our subject is english literature new oxford modern english for class 7 today in this lecture we are discussing about a poem number 5 and page number 66 page number 66 let's open page number 66 हेयर इज़ योर लेसन लंदन समर मॉर्निंग पोइम इज़ लंडन समर मॉर्निंग मौसम गरमा की सुबह कहाँ पर लंडन में यानी कि लंदन के, के मौसम गरमा की सुबह वर्ड्स टू नो वर्ड्स टू नो ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जो कि आपके वर्ड्स मीनिंग हैं बट दीज आर इंग्लिश इन टू इंग्लिश इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग हैं ये जो कि इंग्लिश का मीनिंग इंग्लिश में ही बताया गया है लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर हु हैज नॉट फेक टू लिस्ट द बिजी साउंड कौन बेदार नहीं हुआ मसरूफ़ आवाज़ों की फहरिस्त बनाने के लिए यानी कि सुबह का वक्त हो गया है कोई उठा क्यों नहीं है इन मसरूफ़ आवाज़ों को सुनते हुए उसने अपने माइंड में इसकी एक लिस्ट क्यों नहीं बनाई ऑफ समर्स मॉर्निंग मौसम गर्मा की सुबह की इन द सल्ट्री स्मोक इन द सल्ट्री स्मोक यानी कि गर्म मरतूब धुएँ में यानी कि गर्मी का दिन है गर्मी की सुबह है और धुएँ गर्मी जो होती है तपश होती है सूरज की उसको यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है इन द सल्ट्री सल्ट्री स्मोक सल्ट्री स्मोक कहते हैं गर्म मरतूब धुएँ को और नाइसी लंदन शोर शराबे वाला लंदन ऑन द पेवमेंट हॉट पेवमेंट कहा जाता है फुटपाथ को पेवमेंट कहते हैं फ़ुटपाथ को वो कह रहे हैं शोर शराबे वाला लंदन और गरम फुटपाथ द सूटी चिमनी सूटी चिमनी यानी कालक भरी चिमनी बॉय चिमनी बॉय यानी चिमनी साफ़ करने वाला लड़का विद डिंगी दि, फेस विद डिंगी फेस यानी कि गंदा चेहरा उसका चेहरा यानी कि गंदा है डस्टी है कालक ज़दा है कालक सदा चिमनी साफ़ करने वाला लड़का और मैला कुचहरा मैला कुचैला चेहरा लिए वो कह रहे हैं वो लड़का जो है बहुत गंदा है यानी कि वो जारी बातों से चिमनी साफ़ किया और चिमनी में सिर्फ ब्लैक जोन सा पेस्ट एक जम जाती है धुएं की तो वो कह रहे हैं कि वो बहुत गंदा चेहरा है उसका और फिर आगे वो बता रहे हैं एंड ट्रोइटेड कवरिंग बॉस हिज ट्रेड यानी कि और भुने फटे पुराने कपड़े हैं उसके उसके अलावा उसकी आवाज़ बहुत तीखी है चीखता है वो और अपने काम का काम के लिए आवाज़ लगाता है कि आप आएँ और मुझसे ये काम करवाएँ ये वो चिमनी साफ़ करता है तो वो अपने अपने काम के लिए आवाज़ें निकाल रहा है कि आएँ और मुझसे चिमनी साफ़ करवाएँ उसके कपड़े फटे पुराने हैं फटे हुए हैं उसकी आवाज़ बहुत बारीक और चुभने वाली है बहुत तेज़ आवाज़ है उसकी Rousing द स्लीपी हाउस मेड उन्होंने कहा सोती हुई उंगती हुई जो उनकी नौकरानी है उसको उठाते हैं Rousing उठाते हैं at द डोर दरवाजे पर द मिल्की पेल रेटर्स मिल्की पेल रेटर्स एंड द tinkling बेल उन्होंने क्या घर में जो गनूदगी में आई हुई है उसको उठाया जा रहा है दरवाजे पर दूध की बाल्टी खड़खड़ाती है ये जो आवाज़ आई है ये किसकी है द उसकी बाल्टी की दूध की बाल्टी की और टन टनाती हुई घंटी की टिंकलिंग टन टनाती हुई यानी कि टिंकलिंग उसकी आवाज़ है बेल की प्रोक्लेम्स द डस्टमैन ऑफिस वाइल द स्ट्रीट उन्होंने कहा है कि खाकदब के खाकदर के, के जो काम का ऐलान करती है और उसके अलावा यानी कि उस साथ पता चल जाता है कि वो शोर आ रहा है ये सारा शोर शराबा बेसिकली इस पॉइंट में डिस्कस किया जा रहा है कि लंदन में गर्मी मौसम गर्मा में एक सुबह कैसी होती है वहाँ का कैसा इन्वायरमेंट होता है तो उसमें वो बता रहे हैं कि गली में इस तरीके से शोर होता है और इस तरीके से वहाँ पे जो है सुबह के सुबह दूध वाला आ जाता है उसकी बाल्टी की आवाज़ आती है और नौकरानियों को सुबह सुबह उठा दिया जाता है उनके काम के लिए और जैसे गली में उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट करते हुए बताया कि एक चिमनी साफ़ करने वाला लड़का आवाज़ें लगा रहा है कि मुझसे चिमनी साफ़ करवा लो और उसके मैले कुचैले कपड़े हैं उसकी आवाज़ बहुत तीखी है इसी तरीके से वो बाकी बातों का बता रहे हैं कि मुख्तफ ऐलान हो रहे हैं हर कोई कह रहा है मुझसे ये काम करवा लो वो काम करवा लो और फिर आगे वो कह रहे हैं कि जबकि गली गैर असीर पज़ीर बादलों में खोई हुई है और फिर अब शुरू होता है शोर शराबा और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि घोड़ा गाड़ियाँ हैं वहाँ पर और मुख्तलिफ़ानों की रेड़ियाँ हैं और उसके अलावा जो ए, किली ग्रो हैं उसके वहाँ पे जो ग्रो बने हुए हैं ग्रुप्स बने हुए हैं उस ट्राइब के दुकानों पे जो वो मुख्त संदूक साज पड़े हैं यानी कि संदूक जो हैं वो आ, संदूक में उनके सामान है जो वो बेचना चाह रहे हैं वो सेल के लिए लेकर आए हैं कोई चाकू चुरियाँ बेच रहा है कोई कुछ बेच रहा है कोई फ्रूट्स बेच रहा है इस बारे में वो डिस्कस करें मैं आपको लाइन बाई लाइन ट्रांसलेशन इसलिए नहीं डिस्क्राइब कर सकती इसका सेंट्रल आइडिया दे रही हूँ क्योंकि आपकी पॉइंट बहुत लेंथी है और आपके एक लेक्चर में ये नहीं हो सकेगी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बता रहे हैं कि मुख्त कार काम करने वालों में मुख्त पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने काम को जो है वो प्रोवाइड करने के लिए सेल आउट करने के लिए उसकी आवाज़ें निकाल रहे हैं हर कोई अपने काम को सुबह का वक्त है तो शुरू कर रहा है जैसे कि कोई कसाई है तो वो अपनी छरियाँ तेज़ कर रहा है और उसके अलावा वैसे अगर कोई अब काम है जैसे संदूक में कुछ लोग चीज़ें डाल के सेल करते हैं वो है फिर रेड़ियाँ हैं फलों की वो लग चुकी हैं तो हर कोई अपने काम के लिए आवाज़ें लगा रहा है और मुंतज़िर है गाहक का ठीक है अब वो बता रहे हैं कि सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त क्या हो रहा है कि एक जो नौकरानी है वो झाड़ू घुमाती हुई यानी कि झाड़ू बहुत प्यारी उनकी नौकरानियाँ भी उन्होंने कहा बहुत प्यारी और सीन होती हैं और वो बाहर क्या कर रही हैं वो झाड़ू लगा रही हैं घर के बाहर और आते जाते लोग उनको देख रहे हैं और आसपास जो मुसाफिर हैं जो जाने वाले हैं जो गाड़ियों में बैठे हुए हैं वो उनको देख रहे हैं छुप छुप कर उसके अलावा जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं वो अपने आप को जो तैयार कर रहे हैं और बच्चे बच्चियाँ कि उनके स्कूल जाने का वक्त हो गया है उसके अलावा वो उन्होंने कहा वो बहुत ही ख़ुश लिबास होती हैं जो उनकी नौकरानियाँ होती हैं जो बाहर और उसके अलावा जो बाहर आने जाने वाली बच्चियाँ होती हैं वो सारी बहुत खुश शक्ल होती हैं और अच्छी हालत में होती हैं बिगड़ी हुई नहीं होती कि जैसे सुबह सुबह उठी हैं तो वो बस जैसे कपड़े पहने और ऐसे चल दी वहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसीजर है लंदन में कि जिसने सुबह उठना है उसने घर से निकलना है तो उसने अपनी नाइटी चेंज करके प्रॉपर ड्रेसअप होकर और फ़्रेश होकर बाहर निकलना है और वहाँ उन्होंने कहा है खिड़की खिड़की में फिर अचानक ही सूरज की रोशनी पड़नी शुरू हो गई है हर तरफ सूरज की श्वाएँ फैलनी शुरू हो गई हैं अब सब उठ चुके हैं और उसके उस रोशनी का सिर्फ जो शुआं हैं सिर्फ वहाँ नहीं जा रही जहाँ पर तरपाल डली हुई है तरपाल कहते हैं वो एक ग्रीन कलर का शेड डाला जाता है एक चादर डाली जाती है जहाँ पर धूप की श्वाएँ नहीं गुजरती उसमें से यानी कि बचत के लिए डाली जाती है गर्मी ज़्यादा ना हो इसलिए तो उन्होंने कहा है अब वो डाल दी गई है बस वहाँ जहाँ तरपाल है वहाँ पे धूप की शुआँ नहीं पहुँच रही और बाकी हर जगह धूप जो उनसे सूरज ऊपर चढ़ चुका है और हर जगह धूप फैल चुकी है और इस तरीके से मुख्तलिफ हषरात व लर्ज़ भी भिन्न भी भिनाते हुए गुजर रहे हैं हर कोई यानी कि हर जो कहते हैं ना हर ज़ीरो इंसान भी जाग चुका है और हर हषरात लर्ज़ भी जाग चुके हैं हर कोई अपने काम में लग गया परिंदे अपने कामों में लग गए हैं वो उड़ते ले इधर उधर मुलाजिम जो हैं वो अपनी जो है अपने काम पे निकल चुके हैं और ये पूरा उन्होंने एक प्रोसीजर तैयार किया है एक मॉर्निंग का कि किस तरीके से वहाँ पे एक सुबह होती है और बेतकैर सी आवाज़ में जबकि तिरछी निगाह से देखते हुए लोग इधर उधर से गुजर रहे होते हैं और ट्रैफिक का वहाँ पे अजीब सा हिसाब है कि इलाके की जो ट्रैफिक है अब थैला चोरी छुपे खोला गया है और उसमें क्या है इधर आगे बताया जा रहा है चोरी छुपे एक थैला खोला गया है और थोड़ा बहुत इस्तेमालशुदा लिबास है उसमें जो कि वो जो लिबास वो ज़्यादा नहीं पहनते या जिससे वो उगता जाते हैं वो उसको अपने घर से बाहर रख देते हैं उस थैले में डालकर और जो ज़रूरतमंद होते हैं वो उनको ले जाते हैं वहाँ पर ये नहीं किया जाता कि एक एक कपड़े हैं तो उनको ज़्यादा सिलाया जाए जो वो ज़रूरतमंदों का बहुत ख्याल किया जाता है और वो जो चीज़ उनको नहीं चाहिए होती यहाँ तक कि घर का कोई फर्नीचर भी नहीं चाहिए वो निकाल के घर से बाहर रख देते हैं और सुबह एक गाड़ी आती है वो उस फर्नीचर को ले जाती है और ज़रूरतमंद अगर करीब आस पास हों तो वो वहाँ से गुजरते हुए अपनी ज़रूरत की चीज़ उठा लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं हर कोई एक दूसरे का ख़्याल करता है यानी कि वहाँ पे लोग एहसास करने वाले हैं और मौसम गर्मा की जो सुबह है उसकी एक ये पूरा उन्होंने तस् तस्वीर एक बनाकर आपको दिया है यानी कि उस पोइम में पूरा एक स्ट्रक्चर बताया है कि एक सुबह वहाँ पे कैसी गुजारी जाती है हर कोई अपने कामों पे निकल जाता है और सुबह उनकी वहाँ पे बहुत खामोशी वाली सुबह नहीं होती शोर शराबे वाली सुबह होती है हर कोई सुबह उठ के अपने काम को लग जाता है और हर तरफ से आवाज़ें आ रही होती हैं काम की तो ये एक स्ट्रक्चर था और ये पॉइम किसने लिखी है ये पोइम लिखी हुई है मे मैरी रेबिनसन ये मैरी रबिनसन की पोइम है वो इसकी पोइट हैं और उन्होंने ये पोइम में एक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया है क्योंकि वो बाहर के मुल्क में बहुत ज़्यादा रही हैं उन्होंने बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है तो इसलिए उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लंडन का मॉर्निंग समर मॉर्निंग का एक स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है होप कि आपको समझ आया होगा और आपको अब जो है इसका काम करने में आसानी रहेगी और आपको सारे वर्ड्स मीनिंग भी समझ आए होंगे वर्ड्स मीनिंग बेसिकली यही है कि जब आप उसको गो थ्रू करेंगे जैसे मैंने ओवरऑल लेक्चर दिया है ट्रांसलेशन का जब आप एक लाइन को गो थ्रू करेंगे या रीड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा माशाल्लाह से कि आपने इसमें क्या पढ़ा है या आपको क्या बताया गया है ठीक है होप यू वेल अंडरस्टैंड स्टे सेफ़ एंड हेल्दी थैंक यू अल्लाह हाफिज़